भारत में कई तरह की मिठाइयाँ मिलती हैं, लेकिन मिठाइयों की भीड़ में इमरती की एक खास जगह है। इमरती के बारे में बताया जाता है कि यह देखने में भले ही जलेबी की तरह होती है, लेकिन इन दोनों का स्वाद और इसे बनाने में उपयोग की जाने वाली सामग्री में काफी अंतर है। लगभग 100 साल पुरानी यह रानू लाल के नाम से खंडवा शहर के मुख्य बाजार में स्थित है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए संचालक रानू शर्मा ने बताया कि हमारे पूर्वज राजस्थान के थे, तब से हम इमरती बनाने का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे आज ये हमारा खानदानी पेशा बन गया है, जिसको चौथी पीढ़ी के तौर पर पूर्वजों के द्वारा विरासत में मिले काम को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। रानूलाल बताते हैं कि देखने में भले ही जलेबी और इमरती एक जैसी लगती हो, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। इनमें सबसे बड़ा अंतर है कि जलेबी को मैदे से बनाया जाता है और इमरती को उड़द की दाल से बनाया जाता है। मार्केट में इमरती की डिमांड इतनी है कि शाम में बनते ही लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है और ज्यादातर लोग इसे गरम गरम खाना पसंद करते हैं। स्वाद के साथ साथ यदि हम पौष्टिकता की बात करें तो इमरती उड़द की दाल से बनने के कारण पौष्टिक भी हो जाती है। आप सब जानते हैं कि शरीर को पोषण देने के लिए दालों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और उड़द की दाल सही इस इमरती को बनाई जाती है। विशेष रूप से भी बात की जाए तो यह कि क्षेत्रीय लोगों के लिए इमरती रोजमर्रा में शामिल एक महत्वपूर्ण मीठा खाद्य पदार्थ है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को इमरती बहुत पसंद है। रानूलाल बताते हैं कि खंडवा सहित आसपास के जिले में रहने वाले लोग जब अपने परिजनों के घर जाते हैं तो उनसे इमरती बनवाते हैं। ये हमारी चौथी पीढ़ी इस काम में लगी हुई है, बरसों से इमरती बनाते आ रहे हैं। ये हमारी खानदानी धंधा है। ये हमारे दादा राजस्थान के हैं और वो यही व्यवसाय करते थे। राजस्थान से हमारा मैंने समझ लो ब्राह्मण परिवार से हैं और पहले के ज़माने में शायद ब्राह्मण ही बताऊँ रसोई का काम करा करते थे। तो ये हमारी खानदानी परम्परा से चला आ रहा है, उन्हीं की रेसिपी को मेनटेन करते हुए आ रहे हैं। इसके दादा के बाद पिताजी, पिताजी के बाद हम लोग, हमारे कजिन सब ये इसी व्यवसाय में लगे हुए हैं। बहुत ही शुद्ध दाल बनाना पड़ता है। ये पूरी प्योर चीज़ बनती है इमरती उड़द की दाल की। इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं, कुछ तरह का कोई मिलावट वगैरह का नहीं होता है। तो इमरती का टेस्ट कंटिन्यूसा बना रहता है, पौष्टिक होती है उड़द की दाल, पर पौष्टिक होती है। जी बिल्कुल।